हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। फटाफट आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे आज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को, देखेंगे हम लोग लो प्रेशर कैसे बनता है, हाई प्रेशर कैसे बनती है और इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण से आगे और क्या चीज और क्या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। प्रेशर सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डिड दिस प्रेशर डेवलप। तो एयर जो होती है वो एक्सपैंड करती है और गर्म होकर के अल्टीमेटली कंप्रेस होती है और फिर जो होती है अलग अलग सिस्टम बन रहा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम आपको समझने के लिए ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी गैस है, सपोज कोई भी गैस अवेलेबल है, ये गैस जो होती है वो जब प्रेशर इसका लो रहेगा तो लो प्रेशर में क्या होती है, गैस जो होती है एक्सपैंडेड पोजिशन में रहती है। लेकिन जब इसको आप प्रेशर जो होती है हाई दे देंगे, जब इसको हाई प्रेशर दे दिया जाएगा तो ये क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास दो अलग अलग तरीके के प्रेशर होते हैं, यहाँ पर ये एक्सपैंडेड पोजीशन में रहेगी और यहाँ पर ये कंप्रेस्ड पोजीशन में रहेगी। कंप्रेस पोजीशन में होने का मतलब ये हो गया कि दिस एयर विल बी वेरी डेंस। क्यों? क्योंकि कंप्रेस हो गई है, वॉल्यूम कम हो गई है एंड अल्टीमेटली ये डेंस हो जाएगी। और जबकि यही बात करें अगर एक्सपैंडेड वर्जन के बारे में, ये रिलेटिवली हल्की होगी या लेस डेंस बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से सिस्टम डेवलप होगा। होता क्या है कि जब किसी एरिया का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर कहीं अगर आप दे देंगे तो इससे होता क्या है कि आसपास की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण से इसकी हल्की हो जाती है, लेस डेंस, या कह लेते हैं कि ये जो होता है वो रिलेटिवली जो है वो कम डेंस की हो गई, तो रिलेटिवली लेस डेंस की हो गई है, या फिर ये जो होता है वीक हो गई है और इस कारण से ये लाइट होने के कारण से ये अब ऊपर उठना शुरू कर देती है, तो ये अपलिफ्ट होना शुरू कर देती है और इसकी जगह कोल्ड विंड या जो भी कोल्ड एयर है वो लेना शुरू कर देता है, क्योंकि ये क्या है, हैवी है। इस कारण से होता क्या है कि अगर मान लेते हैं ये वो इलाका है जहां पर काफी हाई टेम्परेचर है, तो इस हाई टेम्परेचर के कारण से जो भी यहां पर विंड अवेलेबल होगी वो विंड धीरे धीरे क्या होगी, राइज करना शुरू कर देगी। इस तरीके से ये राइज करना शुरू कर देगी और इस तरीके से जो राइज होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वार्म एयर है जो ऊपर उठ के चली गई और ऊपर जैसे ऐसे आएगी वैसे वैसे ये कूल होना शुरू हो जाएगी और ऊपर जाकर के अल्टीमेटली ये कोल्ड एरिया में पहुंच जाएगी। और जबकि यही जो वैक्यूम क्रिएट हुआ इस एयर के जाने के कारण से वो फिल कर दिया जाएगा इस कोल्ड एयर के द्वारा। इसलिए जो वार्म एयर होगी वो हाई टेम्परेचर से एसोसिएटेड होगी और इसको हम लोग बोलते हैं कि वो लो प्रेशर एरिया होगा, और जहां पर ये कोल्ड एयर होगी वो हाई प्रेशर एरिया होगा, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर होगा काफी वो लो टेम्परेचर होगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो लो टेम्परेचर वहां पर होता है जहां पर हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर पर जो एयर होगी वो कोल्ड एयर होगी। तो ये बेसिकली सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द डिफरेंस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब होता क्या है कि जो भी एयर है, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जो वार्म एयर थी वो वार्म एयर बेसिकली क्या हो गई थी, हल्की हो गई थी, लाइट हो गई थी, और लाइट होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर प्रेशर कैसा है, एक्सपेंडेड वर्जन में है, यहां पर लो प्रेशर है और इस लो प्रेशर के कारण से अब ये अल्टीमेटली मूव कर जाता है जहां पर भी ये, मतलब कह लीजिए कि भारी एयर पारी होती है, तो भारी एयर का मतलब ये हो गया कि ये कोल्ड एरिया में मूव कर जा रहा होता है। इस कारण से जहां पर भी हाई प्रेशर लो प्रेशर जो होती है क्रिएट होती है वहां पर सिस्टम आ जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर में कोल्ड एयर चली जाएगी और ये जो वार्म एयर है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमेशा जो एयर का मूवमेंट होता है वो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स भी यही बोलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जा रही होती है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये हमेशा विंड या फिर जो भी कहना चाहे एयर कह लीजिए इसका ब्लो होता है, तो फ्लो बोलिए या ब्लो बोलिए, ब्लो कर रही होती है, इंग्लिश का टर्म है, ब्लो हो रही होती है, तो ये सिस्टम होता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से चल रही है, सेटिंग द एयर इन मोशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो डिटरमाइन व्हेन द एयर विल राइज और सिंक। अगर एयर जो है जैसे दो तरीके से होती है, एक होती है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है और दूसरी जो होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज विंड एंड जब ये वर्टिकल मोशन होती है तो उसको हम लोग
वेव कहना शुरू कर देते हैं. क्या चीज होती है देखेंगे अभी. द विंड डिस्ट्रीब्यूट द एयर मतलब हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द लैटिट्यूड देयर बाय मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट एज अ होल. जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूड वाइज काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है और यही वो एयर विंड ये सब है जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर रहे होते हैं. दूसरी जो विंड होती है वो वर्टिकल विंड होती है और ये वर्टिकल विंड बेसिकली क्लाउड और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश करा रहे होते हैं. सिंस एयर हैज मास और इस कारण से इसका जो वेट होता है उसी को हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पी बराबर एफ अपॉन ए यानी कि प्रेशर होगा फोर्स एग्जर्टेड अपॉन द एरिया और इस तरीके से जो मास ऑफ द एयर है उसके कारण से एक वेट होती है और उस वेट के कारण से एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाता है. ये एटमोस्फेरिक प्रेशर का जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा यहां पर दिखा दिया गया है कि वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. क्लियर हो गया क्या चीज है. आगे अगर बात करते हैं तो अब जरा देख लेते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या होती है. एक बार आप जरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब भी समझ लीजिए ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज है. देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस है. मान लेते हैं कि ये पूरी हमारी अर्थ है. दिस इज सपोज आवर अर्थ. तो अर्थ पे ये जो मूवमेंट है एयर का सरफेस पे इस तरीके से जो मूवमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. देखिए इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है. अब ये मूवमेंट बेसिकली क्या हुआ है. यहां पर मान लेते हैं कि इक्वेटर है. इक्वेटर के पास में मान लेते हैं कि कंट्री जो है वो कांगो है. तो कांगो से मूव करके आगे बढ़ रहा है. आगे बढ़ने के बाद जो होता है ये सहारा पहुंच रहा है. सहारा पहुंचने के बाद फिर ये अल्जीरिया फिर उसके बाद से मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके फिर इस तरीके से यूरोप के कंट्री में पहुंच जा रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो एक मैप पे जो भी लोकेशन है उसको जब मूव कर रहा है तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. वर्टिकल क्या चीज होती है. ये होती है वर्टिकल. यहां से इक्वेटर से ऊपर उठा मूवमेंट हुई और फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और फिर गिर गया. तो ये बेसिकली जो वन नंबर और जो टू नंबर है ये वर्टिकल मूवमेंट कहलाती है. तो दोनों में बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज है. एक सरफेस पे देखिए तो सरफेस पे आपको दो चीजें देखने को मिलती है. एक होती है जो एयर ऊपर जा रही होती है जिसको हम लोग वर्टिकल वेरिएशन बोल रहे हैं और एक होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप ये कहेंगे कि हमें तो कभी वर्टिकल एयर महसूस ही नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल ही हमेशा महसूस होता है. वो इसलिए क्योंकि ये जो वर्टिकल करेंट्स या वर्टिकल विंड्स होती हैं ये काफी बहुत ही ज्यादा कम होती हैं. तो बहुत ही लेस परसेंटेज ऑफ विंड जो होता है वो ट्रेवल करता है. तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब ये विंड अगर ऊपर जा नहीं रहा है तो ये किस तरीके से आपस में बैलेंस कैसे कर रहे हैं. वो इसलिए होता है कि ये एरिया एक्चुअली 3D एरिया है और 3D एरिया में इस पूरे के पूरे जोन से थोड़ी थोड़ी एयर भी अगर ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड फॉर्मेट काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है. और इस तरीके से जो विंड होती है एक्यूमुलेशन के साथ में ट्रोपोस्फीयर के पास में इकट्ठा हो जाती है और इस तरीके से विंड का वर्टिकल मूवमेंट होता है. ये काफी कम होती है संख्या में और इसीलिए हमें फील नहीं होती है. जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इस हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर डिफरेंस काफी ज्यादा या फिर कह लीजिए कि प्रेशर जो ग्रेडियंट है ये ग्रेडियंट काफी ज्यादा इसको फील होता है जिसके कारण से हमें जो हॉरिजॉन्टल एयर होती है विंड होती है वो बहुत तेजी से लगती है बहुत तेजी से फील होती है. क्लैरिटी आ गई दोनों में क्या चीज है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का सिस्टम क्या चीज है. आगे अगर बढ़े अब वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. तो वर्टिकल वेरिएशन का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है. अलग अलग एरिया ले लेते हैं. जैसे मान लेते हैं कि ये इक्वेटर के पास में हम लोग हैं और इक्वेटर के पास में हम लोग एक एरिया ले लेते हैं. काम करते हैं कांगो का एरिया. तो DRC कांगो का एरिया ले लेते हैं जो कि अफ्रीका में है. क्लियर हो गया. अब आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग आ जाएंगे ट्रॉपिक्स पे. तो ट्रॉपिक्स में हम मान लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में कोई कंट्री ले लेते हैं तो हम लोग कोई और कंट्री क्यों इंडिया को ही ले लेते हैं और यहां पर इंडिया एशिया में आ जाएगा. इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पोल एरिया पोलर एरिया मिल जाएंगे. पोलर एरिया में किसी कंट्री को ले लेते हैं तो चलिए रशिया को ले लेते हैं. यहां पर रशिया ले लेते हैं और ये साइबेरिया का रीजन हो जाएगा. दिस इज अगेन जो है एशिया का पार्ट आ जाएगा. अब यहां पर हो क्या रहा है कि हम लोगों को देखना है वर्टिकल वेरिएशन.
वर्टिकल वेरिएशन का मतलब यह है कि इस इलाके में काफी तेजी से इंसुलेशन प्राप्त हो रहा होगा, इंसुलेशन क्लियर। इसके बाद यहां पर भी अच्छा खासा इंसुलेशन है, लेकिन एक बात श्योर है कि यहां पर जो इंसुलेशन है वो कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट नहीं के बराबर है। यहां पर एक चीज कह सकते हैं कि जो इक्वेटर इलाका है ये लो प्रेशर पे बना रहेगा। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त हो रही है। ये इलाका जो हम लोगों ने लिया है वो 23 एंड हाफ लिया हुआ है, लेकिन इस 23 एंड हाफ से थोड़ा सा आगे अगर हम लोग 30 to 35 degree के अराउंड में देखें तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होती है। ये क्यों होती है अभी मैं बताऊंगा क्यों होती है, लेकिन हाई प्रेशर ये क्रिएट होती है। तो यहां पर हो गया लो प्रेशर, यहां पे हो गई हाई प्रेशर, एंड देन अगेन पोलर एरिया में हाई प्रेशर जनरेट होती है। इस हाई प्रेशर के कारण से इस बीच में 66 degree के नियर अबाउट में, 66 एंड हाफ के नियर अबाउट में अगेन एक लो प्रेशर क्रिएट होती है। और ये लो प्रेशर क्यों क्रिएट होती है अगेन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहां से होता क्या है कि ये एयर ऊपर राइज करेगी क्योंकि यहां पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर के कारण से यहां पर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद अगेन दो पॉसिबिलिटी, ये या तो दाएं चली जाएगी, लेफ्ट चली जाएगी, फिर बाएं चली जाएगी। यहां पर जो प्रेशर हो गया वो हाई प्रेशर चल गया है क्योंकि यहां का टेम्परेचर अब ज्यादा हो गया है। इस साइड में जो चीज जाएगी चाहे इस साइड में जाए, दोनों सिमेट्रिकल या दोनों साइड में ट्रॉपिक्स एरिया मिल जाएंगे। इस एरिया में जब ये आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली यहां पर हाई प्रेशर जहां पर भी मिलेगा वो सबसाइड करना शुरू कर देगी क्योंकि यहां पर विंड जो है वो वर्टिकल विंड जो है वो इस तरीके से मिलेगी। इस तरीके से मतलब कि यहां पर हाई प्रेशर है यानी सब्सीडेंस देखने को मिलेगा। दिस विल बी सब्सीडेंस, ठीक है, क्योंकि भारी हो गई या भारी होने के कारण से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। यहां पर लो प्रेशर होगा और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो विंड ब्लो करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है। तो ब्लो करा दिया हम लोगों ने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और यहां पर ये सबसाइड कर गई। फिर अगेन जो होता है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देखिए फिर मूवमेंट हो जाएगी, हाई प्रेशर है लो प्रेशर है। तो इस तरीके से यहां पर एक सर्कल बन जा रही होती है। इस सर्कल के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, हेडली सेल फेरल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अगेन आपको ये सर्कल फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है, कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि यहां पर तो लो प्रेशर और यहां पर हाई प्रेशर है, तो यहां तो आपने मूवमेंट जो कराई है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर करा दी है, ये क्या चीज है। सिमिलरली यहां पर भी लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यहां पर आपने मूवमेंट करा दी है, ये क्या चीज है। देखिए मैंने कहा कि जो एयर है वो मूव करती है, चाहे वो फ्लो कराइए चाहे ब्लो कराइए, इंग्लिश के टर्म को छोड़िए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जो मूव करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करती है, लेकिन इसकी डेंसिटी सेम है। अगर आप सेम डेंसिटी के विंड को अगर लेंगे आप, तब जाकर के उसका मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। लेकिन अगर डेंसिटी खुद ही वेरिएशन में आ गई है तो क्या होगा? तो डेंसिटी वेरिएशन के कारण से भी अगेन हवा का मूवमेंट होता है। दो कारण होते हैं, एक होता है जो डेंसिटी वेरिएशन के कारण से होती है और दूसरी वेरिएशन होती है जो प्रेशर वेरिएशन के कारण से होती है। तो प्रेशर वेरिएशन के कारण से तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहां पर डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। और अगर डेंसिटी वेरिएशन हो रही होगी तो ऑब्वियसली जो लेस डेंस होगा वो हल्का होगा और हल्का होने के कारण में भारी मतलब कि ऊपर उठना शुरू करेगा, एंड इट विल ट्राई टू मेक इटसेल्फ एज हैवी एज इट कैन। और इस कारण से यहां पे लो प्रेशर बना तो बना, उससे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि अब हवा जो है वो लेस डेंस हो गई है यानी लाइट हो गई है, और ऊपर जाएगी तो फिर ये डेंस हो जाएगी। अब यहां पर जब डेंस हो जाएगी तो हमें पता है कि एक सिंगल डायरेक्शन में डेंसिटी वेरिएबल नहीं होती है, डेंसिटी सेम होती है, और इस तरीके से ये सीधी रेखा में फ्लो कर जाएगी और यहां पर जो फ्लो होगा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गई है, लेकिन इसके जस्ट नीचे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर होने का मतलब है कि यहां पर जो डेंसिटी होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण अब ये जो हवा है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी हल्की है, हल्की होकर के वो नीचे आएगी और नीचे आकर के ठंडी होने के कारण से अल्टीमेटली यहां पर भारी एयर गिरना शुरू हो जाएगा, सब्सिडेंस शुरू हो जाएगा। तो अब आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि मूवमेंट हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा जब भी हम लोग आगे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो क्लियर हो गया। तो अगेन ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बुक्स में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया होता है इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि एक है डेंसिटी वेरिएशन और दूसरा प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन तभी आपको देखने को मिलेगा जब डेंसिटी जो है वो सेम हो रहेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
इन द लोअर एटमोस्फियर द प्रेशर डिक्रीज, लोअर एटमोस्फियर में प्रेशर जो होती है वो डिक्रीज करती है. ऑब्वियसली जब ऊपर जाएंगे तो P इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस HDG हो जाएगा, क्योंकि आप समुद्र तल से ओशियन बेस लेवल से देख रहे हैं. और इस तरीके से जो होता है उसके ऊपर जो हाइट रहती है वो घटती जाती है, और इस कारण से जो प्रेशर का वेरिएबल प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता हुआ हमें मिल जाएगा. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फिजिक्स पुराने क्लास में डिस्कस कर लिया था रैपिडली विद द हाइट. क्लियर? आगे बात करें अगर, वन सेकेंड लेट मी क्लियर इट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए होंगे. द प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लाइन डिस्कस कर लिया है. एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वेरिएशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन. तो इस तरीके से हवा हल्की होकर के भारी होकर के मूवमेंट कर लेती है, और इस तरीके से एक मोशन डेवलप हो जाता है, और ये मोशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अराइजिंग प्रेशर इंडिकेट्स फाइन सेटल्ड वेदर एंड अ फॉलिंग प्रेशर अनस्टेबल एंड क्लाउडी वेदर. यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है. होता क्या है कि जब भी हमारा लो प्रेशर जहां पर भी डेवलप होता है वहां से हवा जो होती है वो ऊपर उठती है, और हवा ऊपर उठने का मतलब ये होता है कि ये अब क्लाउड फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है. क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में हम लोग अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात भी करेंगे. देखिए टॉपिक अगेन कई सारे टॉपिक्स के साथ में इंटीग्रेटेड है, तो हम लोग इसीलिए आगे बात कर रहे हैं कि आगे बात करेंगे. लगातार जो होते हैं हम लोग एक एक पॉइंट को विद द वीडियोज हम लोग डिस्कस करते ही जा रहे हैं कि एक पॉइंट आपको क्लियर ही होते जा रहा होगा. तो जैसे जैसे ऊपर उठता है ये, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के कारण से यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है. इस कन्वेक्शनल रेनफॉल को हिंदी में बोलते हैं संवहनीय वर्षा. और इस तरीके से यहां पर इस तरीके की कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाती है. ये जो होता है वो काफी अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि अगेन यहां पर रेनफॉल देखने को मिल रही है. लेकिन वही अगर जब ये हाई प्रेशर की ओर में सब्सिडेंस होती है, तो सब्सिडेंस होने के कारण से यहां पर क्लियर एयर देखने को मिलता है, क्लियर स्काई. यहां पर किसी प्रकार का कोई भी रेनफॉल नहीं होता है, ड्राई सीजन देखने को मिल जाती है, और इस तरीके से यहां पर डेवलपमेंट ऑफ डेजर्ट्स हो जाता है. क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहीं पर वो लिखा है कि राइजिंग एयर इंडिकेट्स फाइन सेटल्ड वेदर वेयर एज द फॉलिंग प्रेशर का मतलब लो प्रेशर जो लगातार गिरते आ रही है. देखिए लो प्रेशर है ना, तो ये इंडिकेट करेगा अनस्टेबल क्लाउडी वेदर, और राइजिंग प्रेशर मतलब यही जो हाई प्रेशर है ये इंडिकेट करता है कि हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सेटल्ड पोजीशन पे है. क्लियर? अच्छा एक चीज और जरा यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है कि आइसोबार का मतलब जरा आप समझ लीजिए. आइसोबार का मतलब होता है, जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, आइसोथर्म का मतलब इक्वल टेम्परेचर होता है, सेम वैसे ही यहां पर आइसोबार का मतलब होता है इक्वल प्रेशर. अब देखिए इक्वल प्रेशर अगेन इक्वल प्रेशर लाइन होगी, तो इस तरीके से हमारे पास कई तरीके के आइसोबार्स मिल जाते हैं सर्कुलर नेचर के. यहां पर मान लेते हैं कि 1061 मिली बार का एक कोई आइसोबार है, ये मान लेते हैं कि 10 अंदर की ओर आ रहा है, मान लेते हैं कि वो घटा ही देते हैं, तो यहां पर जो है 59 मिली बार का है. यहां पर मान लेते हैं कि 1010 का मिली बार का ऑप्शन है, ठीक है. तो यानी ये क्या हो गया, ये एक माउंटेन का है, ये इस तरीके से माउंटेन है जहां पर पहली जो ये सर्कल बनी हुई है 1010 मिली बार की है. फिर इसके नीचे आएंगे तो प्रेशर इसका बढ़ जाएगा, 1059 हो जाएगा, और उसके नीचे जब आएंगे तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा 1061, बिकॉज P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस HDG. यहां पर जैसे ही हाइट बढ़ी, यहां पर हाइट बढ़ गई. क्लियर हो गया? अच्छा अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो घटता जाए, अगर जो है यहां पर जो भी प्रेशर है वो प्रेशर काफी करीब करीब रहे, इसका मतलब क्या है कि छोटे से डिस्टेंस में, शॉर्ट डिस्टेंस में प्रेशर काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, प्रेशर वेरिएशन काफी तेजी से है, प्रेशर वेरिएट काफी तेजी से कर रहा है. इसका मतलब ये होता है जब भी वेरिएशन बहुत तेजी से होता है, यानी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉर्म आने वाला है, आंधी आने वाली है. इसी तरीके से सुनामी होती है, इसी तरीके से साइक्लोन भी होती है, जहां पर हमें प्रेशर जो होता है, प्रेशर काफी तेजी से जल्दी जल्दी जो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है, और अल्टीमेटली हमें इस तरीके के डिजास्टर देखने को मिल जाती है. तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली हम लोग आइसोबार से लेकर के किस तरीके से वेदर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं. और ये जो प्रिडिक्शन है बेसिकली, ये जो प्रेशर का जो डेटा है ये कहां से मिलेगा, ये मिलता है रिमोट सेंसिंग से. अब ये रिमोट सेंसिंग क्या चीज है भाई, रिमोट सेंसिंग का मतलब ये हो गया कि ये डेटा मिलता है हमें सैटेलाइट से. हम लोग अलग अलग तरीके के सैटेलाइट
जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और वहां से हमें इस तरीके का डेटा मिल जाता है। अगली आती है हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन का मतलब ये हो गया कि अगेन वही हम लोग जो बात किए थे, ये हमारी मान लेते हैं कि अर्थ है, इस अर्थ पर हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के बाद ये 30 डिग्री लाइन हो गई, ये मान लेते हैं 60 डिग्री लाइन है और ये ऊपर 90 डिग्री लाइन है जो पोल एरिया में आ जाती है। यहाँ पर 0 डिग्री है, ये मान लेते हैं कि 35 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री वैसे लिया जाता है, 60 डिग्री हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रेशर हो जाती है। ये प्रेशर होती है लो प्रेशर, यहां पर पाई जाती है हाई प्रेशर, यहां पर फिर लो प्रेशर होती है और अल्टीमेटली यहां पर हाई प्रेशर होती है। ये हम लोग जो प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द सर्फेशियल प्रेशर, यानी कि हवा कैसे चलेगी, हाई टू लो यहां पर हवा चल जाएगी, यहां पर कैसे चलेगी, हाई टू लो हवा इस तरह से चल जाएगी। क्लियर? अब ये केवल और केवल यहां चलेगी क्या? अरे नहीं, सरफेस पे हर जगह चलेगी। ये देखिए, ये पूरी सरफेस पे हर जगह चलेगी इस तरीके से, सरफेस पे हर जगह इस तरीके से चलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसे भी तो चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, इनफैक्ट चलेगी, ये भी हवा चलेगी यहां पर, ये जो हवा है हाई टू लो तो जाएगी ही, हाई टू लो जाएगी ही। सिमिलरली नीचे भी इसके हाई प्रेशर होगा, यहां पर भी हाई टू लो चलेगी, बिल्कुल चलेगी, कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए आपको, एक आइडिया लग गया है कि कहां पर क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो जहां पर भी फिजिक्स जो चल रहा होगा वहां पर हवा चलेगी। और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर बोला गया है तो हर एक डायरेक्शन में जहां पर भी हाई प्रेशर लो प्रेशर हवा क्रिएट हो रही होगी वहां पर हवा बहेगी। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग यही हॉरिजॉन्टल वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। अभी हम लोगों ने देखा आइसोबार जब करीब करीब में पास पास में आ जाते हैं तो वहां पर स्टॉर्म की कंडीशन हो जाती है, यानी आंधी आने की संभावना हो जाती है, और आंधी का मतलब विंड डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी विल बी वेरी हाई। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्रॉइंग आइसोबार एट कांस्टेंट लेवल्स। तो आइसोबार को ड्रॉ करके ही हम लोग जो भी वेदर फिनोमिना या जो भी मानसून संबंधी कोई चीज अगर हमें देखना है, कैलकुलेट करना है या फिर ऑब्जर्व करना है तो हम लोग आइसोबार बना करके ही कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? आगे अगर देखें तो देयर आर डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइबल जोन ऑफ होमोजीनियस हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिजीम और प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ सर्फेस, दे आर इन 7 प्रेशर बेल्ट। तो इस तरीके से हम लोग इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर को 7 तरीके से, 7 प्रेशर बेल्ट के हिसाब से बांट देते हैं। इससे हमें क्या होती है, प्रेशर के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाती है और साथ ही साथ हम लोग वेदर रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम लोग कह लीजिए कि रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो जो 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं वो क्या चीज है, यहां पर देखिए फोटो भी बना देता हूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज दिस इज आवर अर्थ और यहां पर हमारा मान लेते हैं कि इक्वेटर की लाइन है, तो इक्वेटर की लाइन से नियर अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, छोटा छोटा है, खैर समझ लीजिएगा क्या चीज है। इस इलाके को बोला जाता है कि ये लो प्रेशर है और इस लो प्रेशर का नाम रखा गया है डोल्ड्रम। तो दिस इज बेसिकली डोल्ड्रम, लो प्रेशर सेल होती है, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्वेटोरियल लो, और या इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं डोल्ड्रम। क्लियर? इसके जस्ट ऊपर में और जस्ट नीचे में जब आएंगे हम लोग तो हमें हाई प्रेशर ये मिल जाता है। तो ये एरिया जो है लगभग लगभग 35 डिग्री तक का एरिया, 35 डिग्री नॉर्थ और नियर अबाउट 35 डिग्री साउथ, ऐसे ही जब आ जाते हैं तो यहां पर हमें हाई प्रेशर मिल जाता है। तो ये जो इलाका है वो हाई प्रेशर का बन गया है, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल हाई या सब ट्रॉपिकल हाई भी बोल देते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है हॉर्स लैटिट्यूड। दिस इज बेसिकली हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड जो होता है वो 60 डिग्री के नियर अबाउट वाले को बोला जाता है, मतलब 45-50 के अराउंड में भी बोल दिया जाता है। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंजम्पशन, और इसके पीछे एक कहानी भी है, कहानी भी हम लोग कभी बात कर लेंगे, अभी देख लेते हैं। जैसे क्या होता था कि जब भी मर्चेंट्स जो होते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो जब भी इस एरिया में अपनी शिप को लेकर के पहुंचते तो काफी हाई प्रेशर होने के कारण से हवा का सब्सिडेंस आ जाता था, और जब हवा का सब्सिडेंस आएगा तो उस पे क्या होगी कि इनकी जो बोट होती थी वो कुछ ज्यादा ही जमीन, मतलब कि ओशन के नीचे चली जाती थी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा यहां पर रहता था। प्रेशर के कारण से बोट काफी भारी फील होना शुरू हो जाती थी, और उस पे ये लोग घोड़े जो है वो कैरी कर रहे होते थे, तो घोड़े जो लादे गए थे उनके बोट के ऊपर में, वो घोड़ों को गिरा देते थे, फेंक देते थे ओशियन में ही, और इस तरीके से ये अपने बोट की जो वेट है उसको कम करते थे। लेकिन फिर आगे जब बढ़ते थे तो इनको पता लगता था, अरे यार वहां तो हाई प्रेशर था, इसी वजह से
हमें घोड़े को फेंकना पड़ गया, बट कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं होता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था हॉर्स लैटिट्यूड। चलिए नेक्स्ट हो जाती है सब पोलर लो। सब पोलर लो जो होती है इसके जस्ट ऊपर में जब आप आएंगे तो यहां पर ये जो इलाका है अगेन जहां पर हम लोग कलर कर रहे हैं, इसको एक काम करता हूं मैं कलर कर देता हूं ताकि और अच्छे से दिखेगा। ये जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं सब पोलर लो। यहां पर भी साउथ में भी इसी तरीके से सब पोलर लो हो जाएगा और ये लो प्रेशर होती है यहां पर। ठीक है, आगे लास्टली आ जाती है हमारी कैसी, पोलर हाई। तो जो टॉप टॉप पे वेकेंट खाली दिखा हुआ है वो पोलर हाई हो जाती है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको सेवन बेल्ट दिखेगा, ये सबसे ऊपर में पहला नंबर, फिर उसके बाद बीच में ये दूसरा नंबर, फिर उसके बाद से तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर और अगेन पोलर इलाका सातवां नंबर। तो सेवन प्रेशर बेल्ट हो जाती है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बात किया है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। आगे अगर बात करें तो अब हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट आ जाता है और उस कंसेप्चुअल पॉइंट को जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग पहले बात करेंगे, अब हम लोग जरा मिक्स करके बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बात करते रहेंगे और साथ ही साथ में हम लोग वर्टिकल भी बात करेंगे। दोनों ही चीजों को जरा देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से ये रिसर्च हुई है। यहां पर बेसिकली हम लोग तीन तरीके के सेल के बारे में, तीन तरीके के सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है हेडली सेल, दिस इज बेसिकली हेडली, HADLEY हेडली सेल। दूसरा हम लोग बात करेंगे फेरल सेल के बारे में, फेरल सेल, और तीसरी एक और है उसको हम लोग पोलर सेल के बारे में बोल देते हैं। इन तीनों के बारे में जरा फटाफट डिस्कस करना शुरू करते हैं और जरा पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थ, अपना अर्थ बनाना। तो हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये हमारी मान लेते हैं कि अर्थ है। सपोज यहां पर हमारा जीरो डिग्री लाइन इक्वेटर आ जाता है और जीरो डिग्री लाइन के जस्ट ऊपर में 30 डिग्री का कोई लाइन आ जाता है और 30 डिग्री के ऊपर 60 डिग्री का लाइन और अल्टीमेटली ऊपर में हमें पोलर मिल जाएगा, पोल इलाका। सिमिलरली साउथ में भी इसी तरीके से यहां पर 30 डिग्री साउथ मिल जाएगी, यहां पर 60 डिग्री साउथ मिल जाएगी और नीचे की ओर में यहां पर पोल हो जाएगा। यहां पर हमारी सन है, यह ऑब्वियसली सन है ही, सन के कारण से यहां पर हमें इंसुलेशन मिल रही होगी और सबसे ज्यादा इंसुलेशन जो मिल रही है अभी के दौरान में अगर देखेंगे तो इंसुलेशन मिल रही है इक्वेटर को। तो हाईएस्ट इंसुलेशन, हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिसीव होगी वो इक्वेटर पे होगी, जिसके कारण से यहां इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई टेम्परेचर हो जाएगा और इस हाई टेम्परेचर के कारण से अगेन यहां पर हम लोगों ने बात किया था कि जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो यहां की विंड काफी हल्की हो जाएगी और हल्की होने के कारण से ये लो प्रेशर बन जाता है। तो यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास अगर इक्वेटर है तो इस इक्वेटर पर लो प्रेशर हमें फील हो रहा होगा। इस लो प्रेशर के कारण से यहां पर, मतलब इस हाई टेम्परेचर के कारण से यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं साथ साथ लिखते चल रहा हूं। अब यहां पर होगा क्या कि जैसे ही लो प्रेशर होगा हवा हल्की हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और गर्म होने के कारण से ये हवा ऊपर उठना शुरू हो जाती है। ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के कारण से इसकी कंडीशन ये होती है कि यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है यहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल करा देती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब संवहनीय वर्षा, और ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है लोकल कंडीशन की वजह से होती है क्योंकि यहां पर वार्मिंग काफी ज्यादा हो गई और इस वार्मिंग के कारण से अब क्लाउड्स बन गए और क्लाउड के जरिए जैसे ही ऊपर पहुंचता है ये बन जाता है यहां पर रिलेटिवली कोल्ड एरिया हो जाता है और ये जो कोल्ड एरिया के कारण से यानी टेम्परेचर कम हो गया यानी प्रेशर जो होती है वो हाई प्रेशर में तब्दील हो जाती है। नाउ इट हैज टू ऑप्शन, ईदर टू गो राइट और टू गो साउथ, दोनों साइड में, यानी ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी जा सकता है और ये साउथ हेमिस्फीयर में भी जा सकता है। क्लियर। दूसरी साइड में हमें पता है कि ये पोलर इलाका है और इस पोलर इलाके में जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा पाई जाती है, हाई प्रेशर होती है और उसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है काफी वो लो टेम्परेचर पाया जाता है और लो टेम्परेचर ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इंसुलेशन वहां पे मिल नहीं रही है, इस कारण से यहाँ पर लो टेम्परेचर मिलता है। नाउ इट हैज एन ऑप्शन टू गो एंड अप टू द पोलर एरिया एंड सबसाइड, इस तरीके से सबसाइड कर जाएगी और यहां पर बेसिकली हाई प्रेशर के जस्ट ऊपर में लो प्रेशर बना होगा और ये विंड जो होती है इस तरीके से ब्लो करेगी, ब्लो करके अल्टीमेटली एक पूरा साइकिल क्रिएट कर लेगी। यहां पर जो प्रेशर है, मतलब विंड है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां पर भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो कर रही है, यहां पर कोई डाउट नहीं है। यहां पर जो सब्सिडेंस बेसिकली हो रहा है, ये सब्सिडेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन और यहां पर जो अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रही है, दिस अपलिफ्टमेंट इज अगेन बिकॉज ऑफ
डेंसिटी डिफरेंशिएशन, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बेसिकली एक सेल बना है, देखिए सेल बन गया ना इस तरीके से, ये जो सेल बना है इस सेल को सबसे पहले बताया गया था हेडली साहब के द्वारा, इसलिए इसका नाम रखा गया था हेडली सेल, हेडली सेल रख दिया गया। लेकिन यहां पर केस ये हुआ कि आगे जब इस हेडली सेल के बाद लोगों ने और भी डेवलपमेंट्स किए, आगे जब चीजों को देखना शुरू किया तो यहां पर सामने एक चीज निकल के आई। इन्होंने कहा देखिए इस तरीके से ये जो पेरिमीटर पूरी घूम रही है, पूरे चारों ओर में घूम रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी टू फार, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो इसके बाद से हमारे फेरल साहब आते हैं और फेरल साहब कहते हैं कि देखिए दिस विल नॉट हैपन लाइक दैट, एक्चुअल में हेडली सेल जो बोला गया है ये चलेगी बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगी, पार्ट वाइज चलेगी। इन्होंने कहा कि देखिए ये जो हेडली सेल इन्होंने बनाया गया है ये इस तरीके से यहां पर पूरा नहीं चल पाती है, यहां पर बीच में एक ब्रेक आ जाता है। यानी कि एक बात तो श्योर है, यहां पर कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा, एक बात तो श्योर है कि यहां पर सब्सिडेंस भी देखने को मिलेगा और यहां पर अपलिफ्टमेंट भी होगा, अपलिफ्टमेंट के बाद नॉर्थ साइड में भी जा सकती है और साउथ साइड में भी जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि ये जब आगे बढ़ती है तो हमें 30 डिग्री या 35 डिग्री 35 डिग्री के आसपास में हमें सब्सिडेंस देखने को मिल जाता है और ये सब्सिडेंस यहां पर लोकल कंडीशंस के कारण बनती है। तो लोकल कंडीशन के कारण यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होती है और इस हाई प्रेशर के कारण से यहां पर सब्सिडेंस हो जाती है और अल्टीमेटली हवा जो होती है वो चल जाती है, इस तरीके से काउंटर बैलेंस कर देती है। तो ये बन गया आपका हाई प्रेशर और हाई प्रेशर के साथ साथ में एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। इस साइकिल का नाम इन्होंने कहा कि देखिए हेडली साहब ने खोजा इसलिए इसका नाम है हेडली साइकिल ही रहेगा, दिस विल बी एचडी हेडली का मतलब है इसका। अब यहां पर ऐसा नहीं होता कि सारी विंड गिर जाती है नीचे, कुछ विंड आगे भी बढ़ती है। तो कुछ विंड जो आगे बढ़ रही है ये विंड ऑब्वियसली कहां से आ रही है, अपर एरिया से आ रही है। अपर एरिया से आने पर अब देखिए यहां पर जब ये विंड गिरी है, सबसाइड की है, यहां पर देखिए सब्सिडेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस सब्सिडेंस के बाद सारी हवा एक डायरेक्शन में तो चली नहीं जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, दोनों डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन ये जो हवा जा रही है यहां पर बॉटम में हॉरिजॉन्टल में जो मूवमेंट हो रही है, ये हवा ऑब्वियसली वार्म एयर होगी, ये हवा वार्म एयर होगी। और जबकि जो ये कोल्ड एयर यहां से भी तो आएगी आखिर में, वन सेकेंड इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे आपको, ऊपर से जब हवा गिर रही है तो इधर से भी तो हवा आ रही है। तो यहां पर ये जो रेड कलर की हवा आ रही है दिस इज पोलर एयर, और पोलर का मतलब है कि कोल्ड एयर बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा कोल्ड होगी। और जबकि वही ग्रीन वाली जो हम लोग बना के रखे हुए हैं ये वार्म एयर है क्योंकि ये इक्वेटर साइड से आ रही है तो रिलेटिवली गर्म होगी। अब जो वार्म एयर है वो सीधी सी बात है लेस डेंस होगी, लाइट होगी, और वही अगर पोलर एयर के बारे में बात करें ये काफी हैवी होगा। अब यहां पर फिर से एक हैवी एयर मास और लेस हैवी एयर मास या फिर लाइट एयर मास का यहां पर आपस में फिर से भिड़ंत होगा। अब भिड़ंत होने के बाद क्या होगा कि जो हल्की वाली एयर है, अगेन वही हम लोग जैसा ध्यान रखिए ओशियन प्लेट को हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ टकराया था तो नीचे कौन सी प्लेट गई थी, ओशियन प्लेट गई थी ना। तो ओशियन प्लेट का मतलब कि यहां पर कोल्ड एयर जो होती है वो नीचे रह जाएगी जबकि जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ जाएगी, यानी कि ये इलाका कोल्ड एयर यहां से पूरी की पूरी आएगी और कोल्ड एयर के कारण से इन दोनों का आपस में जब कन्फ्लुएंस होगा और इस तरीके से यहां पर ये जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ जाएगी। और ये वार्म एयर जब ऊपर उठेगी तो बीच में आपस में एक फ्रंट बनाती है, फ्रंट का मतलब कि जहां पर कोल्ड एयर और वार्म एयर यहां पर मिक्स से रहेंगे। तो ये जो इलाका होता है जहां पर इलाका आपस में मिल रहा है इस एरिया को फ्रंटल एरिया बोलते हैं। जनरली डेवलप होती है 60 डिग्री के अराउंड अराउंड में, ये इलाका 60 डिग्री या 66 डिग्री के नियर अबाउट में है नॉर्थ में, और इस तरीके से हवा ऊपर उठ जाती है। अब जब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली एक सर्कल बन रहा है, यहां पर एक इस तरीके से हमें साइकिल मिल गया जिसको बोला गया है हेडली सेल है ये, दिस इज हेडली सेल। यहां पर अगेन एक सर्कल मिल गया है इस तरीके से, यहां पर एक जो है कह लीजिए कि सेल बन गया है। इस सेल को बताया गया था फेरल के द्वारा इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फेरल सेल है। सिमिलरली यहां पर भी एक पूरी की पूरी सेल सेल बन जाती है जिसको हम लोग अगेन हेडली सेल ही बोल देते हैं। कई बार इसको हम लोग पोलर सेल के नाम से भी बोल देते हैं क्योंकि ये पोलर इलाके में है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली क्या डेवलपमेंट कैसे हो रही है इस पूरे इलाके को एक बार क्लियर करके। एक बार फिर से मैं अगर बताऊं तो देखिए यहां पर बेसिकली ये पूरी हमारी
कह लीजिए कि लैटिट्यूडिनल बेल्ट है, यहां पर ये हमारा इक्वेटर का इलाका है, यहां पर हमें 35 डिग्री नॉर्थ का इलाका ले लेते हैं, यहां पर 60 डिग्री या 66 डिग्री नॉर्थ का इलाका ले लेते हैं, और ये पोलर इलाका है, दिस इज पोलर इलाका, जहां पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 0 डिग्री है, यहां पर ये लो प्रेशर बनी हुई है और यहां पर ये हाई प्रेशर बनी हुई है। फटाफट हम लोग 2 मिनट में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। लो प्रेशर के कारण से ये ऊपर उठती है, ऊपर उठ के इसके पास दोनों ऑप्शन है, नॉर्थ साइड में जाने का और साउथ साइड में जाने का, नॉर्थ में जाए चाहे साउथ में जाए दोनों बराबर है, सिमेट्रिकल है। यहां पर जब ये आगे बढ़ती है तो फिर यहां से ये सबसाइड होना शुरू हो जाती है, सबसाइड होकर के अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा साइकिल बना लेती है, जिसको हम लोग हेडली सेल बोल रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली हेडली सेल, जहां पर इस तरीके की पूरी सर्कल बन गई है। जैसे ही ये सबसाइड करती है तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर जाती है, एक इस डायरेक्शन में भी मूव करेगी और दूसरे डायरेक्शन में भी मूव करेगी। यहां पर एयर का सब्सिडेंस देखने को मिलता है और ये एयर आगे तक जा रही होती है, तो यहां पर जब सब्सिडेंस देखने को मिलेगा तो यहां से भी हवा जो है वो अपने इक्वेटर साइड आना शुरू कर देती है। इक्वेटर साइड आने के कारण से यहां पर वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में मिलते हैं और अल्टीमेटली फ्रंट जनरेट होता है, और जो वार्म वाली है वो ऊपर उठ जाती है, जो कोल्ड वाली है वो नीचे ही चली जाती है। इस तरीके से यहां पर एक फ्रंट जनरेट होता है और यहां पर अल्टीमेटली हम लोग इस प्रेशर को हम लोग लो प्रेशर बोल देते हैं, रिलेटिवली लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, जबकि यहां पर हाई प्रेशर, रिलेटिवली हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सब्सिडेंस। तो यहां पर भी अगेन एक साइकिल बन जाती है, इस तरीके से पूरी की पूरी ये साइकिल बन गई है, और ये जो साइकिल है इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये फेरल सेल है, दिस इज बेसिकली फेरल सेल, और यहां पर ये जो साइकिल बनी हुई है इसको बोला जाता है कि ये पोलार सेल है। और इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। यहां पर जो ये अपलिफ्टमेंट हो रही है वो अपलिफ्टमेंट बेसिकली हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं वर्टिकल सिस्टम है। सिमिलरली यहां पर जो सब्सिडेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये सब्सिडेंस अगेन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। सिमिलरली यहां पर ये फ्रंट जनरेशन हो रही है, और जो फ्रंट है ये वार्म एयर जो है वो ऊपर उठी हुई है, जिसको कि हम लोग बेसिकली वर्टिकल सिस्टम में ले लेते हैं अगेन, और यहां पर अगेन सब्सिडेंस देखने को मिल रही है, और ये जो सब्सिडेंस है अगेन ये वर्टिकल सिस्टम के अंतर्गत हो जाती है। यहां पर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पर एक सिस्टम होता है कि इक्वेटर पर जो तो ये जो हवा जहां तक पहुंच रही है जो भी होगा ये हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही होगी। सिमिलरली यहां पर लो प्रेशर है तो यहां पर हाई प्रेशर, वन सेकेंड, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रही होगी और इस तरीके से यहां पर लो प्रेशर क्रिएटेड होगी। क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर जा रही है, वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो वर्टिकली ये जा रही है ऊपर, ये वर्टिकली कितनी डिस्टेंस तक जा रही है, कितने हाइट तक जा रही है। तो ये जो हाइट जाती है वो नियर अबाउट 8 to 10 किलोमीटर तक जाती है, और इसके भी ऊपर एक एयर का विंड होता है, एक एयर का पूरा सिस्टम होता है, एयर का सर्कुलेशन सिस्टम होता है। इस एयर के सर्कुलेशन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन। इस अपर एयर सर्कुलेशन के एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, एक इलाका होता है जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम होती है। दिस इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम इस हाई प्रेशर लो प्रेशर जो ये एयर सिस्टम बना है, इनसे बिल्कुल अलग होती है, इसके भी ऊपर इस लेयर पे कहीं पर होती है, जिनसे इन दोनों को कोई मतलब नहीं है आपस में। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो एयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। मैंने यहां पर इंक्लूड इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोग इस वाले एयर के साथ में इसको कंफ्यूज ना हो। यहां पर जो एयर चल रही है दिस इज बैलेंसिंग एयर होती है, जो आपस में नीचे वाले हॉरिजॉन्टल विंड को एक विंड का कह लीजिए कि सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, वही एक्शन रिएक्शन, रिएक्शनरी विंड आप बोल सकते हैं इसको। और इस तरीके से ये जो सिस्टम बनती है वो नीचे के एटमोस्फियर पे बनती है, या लोएस्ट एटमोस्फियर पे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली एडजेसेंट टू द लैंड ऑफ द ओशियन, लैंड ऑफ द सरफेस। तो इस तरीके से यहां पर सिस्टम हो जाता है। क्लियर हो गया। हेडली सेल क्या है, फेरल सेल क्या है, पोलर सेल का मतलब क्या है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अलग अलग मौसम के दौरान में, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर जो ये पूरा सिस्टम डिस्कस किया है वो डिस्कस तब किया है जब सन इक्वेटर के सामने है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, सन तो मूव करता रहता है, सन कभी जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मूव कर जाता है। तो हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपने वर्ल्ड मैप पे। तो वर्ल्ड मैप पे जब हम लोग देखेंगे तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि अभी हमारा जो
मौसम है, मतलब कि जो अभी हमारा क्लाइमेट है या सीजन जो है या मंथ जो है वो मान लेते हैं जनवरी का चल रहा है। जनवरी का मतलब ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का मौसम है और सदर्न हेमिस्फीयर में कूल कूल मौसम है। अब यहां पर इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, और जो सन है वो इस इलाके में कहीं पर होगा, सॉरी इस इलाके में नहीं, यस इसी इलाके में होगा, ये हमारी ओके तो जो सन हमारा होगा वो कहीं इस इलाके में होगा। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इक्वेटर है, तो इस कारण से यहां पर ज्यादा लो प्रेशर बना रहेगा। तो दिस लाइन विल बी लो प्रेशर लाइन। लो प्रेशर लाइन के कारण से यहां पर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, इक्वेटर पे जो लो प्रेशर क्रिएट होना था वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और इस तरीके से हमारा जो प्रेशर बेल्ट है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने का मतलब ये हो गया कि ये इलाका अब जब लो प्रेशर लाइन हो गई है, ये इलाका अगर लो प्रेशर हो गया है तो ये इलाका अब रिलेटिवली हाई प्रेशर फील कर रहा होगा, फिर ये लो प्रेशर पे आ जाएगा और ये हाई प्रेशर पे होगा। तो बेसिकली ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन जो हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जोन हाई प्रेशर जोन बन गया है। सिमिलरली ये पूरा जोन लो प्रेशर जोन बन गया है, फिर उसके बाद से ये अगेन हाई प्रेशर जोन बन गया है और लो प्रेशर जोन ये इलाका बना हुआ है। सिमिलरली साउथ में जब आप जाएंगे तो यहां पर भी हाई प्रेशर लाइन बन जाएगी और इस तरीके से हमें मिल जा रहा होता है सिस्टम हमारा। तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलती है, यहां पर एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ITCZ लाइन, ITCZ, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कुछ नहीं होता है, बस ये लो प्रेशर लाइन होती है। जैसे यहां पर देखिए लो प्रेशर लाइन थोड़ी सी साउथ में शिफ्ट हो गई है, इसको हम लोग बोलते हैं ITCZ, यही है ITCZ और कुछ नहीं है। जो लो प्रेशर लाइन है उसी को बोलते हैं हम लोग ITCZ। ये विंटर में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलती है क्योंकि विंटर में जो साउथ साइड में सन का मूवमेंट है वो ज्यादा लैंडमास न होने के कारण में और ज्यादा ओशियन होने के कारण से ज्यादा शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलता है, प्रेशर बेल्ट ज्यादा शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन जब ये मौसम गर्मी का होता है, जब भी ये सीजन मान लेते हैं कि जुलाई अगस्त का है, तो जुलाई के दौरान में जो सन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर रहती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहने के कारण से ये इलाका देख सकते हैं कि इसके ऊपर में जस्ट कितना ज्यादा लैंडमास है और ज्यादा लैंडमास होने के कारण से जो इसकी सरफेस स्पेसिफिक जो हीट होती है वो स्पेसिफिक हीट काफी कम होती है और कम होने के कारण से टेम्परेचर काफी तेजी से राइज करता है और तेजी से राइज करने के कारण ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बन जाती है लो प्रेशर लाइन, ये लो प्रेशर लाइन बन जाती है। और ये लो प्रेशर लाइन बेसिकली एक जोन के फॉर्मेट में निकल के आता है जो बेसिकली जो इक्वेटर से गुजरना था उसको इक्वेटर से ना गुजर करके अब इस तरीके से मूवमेंट आ जाती है और ये कुछ इस तरीके से लो प्रेशर लाइन बन जाती है। अगर ये लो प्रेशर लाइन बन गई यहां पर, अगर ये सपोज लो प्रेशर लाइन बन गई है तो इस कारण से जो जितना भी ऊपर में प्रेशर बेल्ट है वो सारा शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बन जाती है हाई प्रेशर लाइन। सिमिलरली इसके ऊपर में 60 डिग्री वाला लो प्रेशर लाइन, फिर उसके ऊपर में ये तो हमारा इक्वेटर मतलब पोलर इलाका है ही जो हाई प्रेशर लाइन पे बना ही हुआ है। सिमिलरली यहाँ साउथ में भी हमें हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलती है लेकिन ये नियर अबाउट में सेम सी ही रह जाती है। ये हो जाती है हाई प्रेशर लाइन, फिर यहां पर लो प्रेशर लाइन और फिर अल्टीमेटली एकदम साउथ में आ जाएंगे पोलर इलाके में तो ये बन जाती है हमारी हाई प्रेशर लाइन। तो ये बन जाती है हाई प्रेशर लाइन, दिस इज पोलर इलाका मतलब साउथ पोल हो गया, यहां पर ये लो प्रेशर बन जाती है और ये जो लो प्रेशर है बेसिकली वो 66 डिग्री वाली है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था और यहां पर ये हाई प्रेशर लाइन बन जाती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सबसीडेंस और ये होती है 30-35 डिग्री साउथ और यहां पर ये अब जो 30 डिग्री का इलाका है ये चला गया है लो प्रेशर में और ये लो प्रेशर बेसिकली इसीलिए चला गया है क्योंकि यहां पर इंसुलेशन काफी तेजी से रिसीव हो रहा है और टेम्परेचर इसका काफी हाई हो गया है। यहां पर फिर ये हाई प्रेशर लाइन हो जाती है, लो प्रेशर लाइन होती है और ये ऊपर में हाई प्रेशर हो जाती है। एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जो विंड भी ब्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई टू लो, 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 यहां पर भी
इस तरीके से विंड ब्लो करा दीजिए, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, यहां पर भी हाई टू लो इस तरीके से प्रेशर हो जाएगा। तो हवा भी बेसिकली हाई टू लो हमें ब्लो करानी होगी। इस विंड के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या चीज है, फिलहाल अभी आप लोग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे क्या चीज है। इस समझने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन सारे सिस्टम, इन सारे मीडिया सोर्सेस के थ्रू हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विंड के सिस्टम के साथ में, विंड के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।